अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग अनदर ड्रेस बाय मुश्क और आई डोंट नो विच सूट वी हैव, क्योंकि इसकी पैकिंग ऐसी है जैसे मैंने पहले बताया था कि पूरी बुक इसके साथ दी होती है, यानी जो कैटलॉग है। तो आई हैव नो आइडिया कि इसके अंदर कौन सा ड्रेस है। लेट्स सी विच सूट वी हैव एंड हाउ इट इज़। ये कम्प्लीटली पैक है। ओके, वी हैव पिंक वन, ओके जी, पिंक कलर का ड्रेस है। पहले तो मैं इसकी पिक्चर देख लूँ। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इनके सूट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती मुश्क के। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती है। आई थिंक वी हैव दिस वन राइट। लेकिन मुझे अभी जो है ये सेकंड पिछला ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा था जो ग्रीन कलर का था, और ये भी बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है क्योंकि इसको देखा मैंने कि इसका दुपट्टा ऑलरेडी क्रश्ड है, तो ये बड़ी सरप्राइजिंग और अच्छी बात है, वरना तो बहुत सारी एफर्ट्स हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, कॉटन नेट फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडर्ड इस तरह से। ये फ्रंट बैक का पूरा यही फैब्रिक है। फैब्रिक जो है वो लास्ट ड्रेस का भी ऐसे ही था, और लाइट पिंक कलर है, ऑलमोस्ट बेबी पिंक टाइप का, बेबी पिंक से थोड़ा सा डार्क जो है इसका शेड है। और अच्छा, अब इसमें जो है होने चाहिए इसके बॉर्डर्स। ओके, पहले तो है इसका एम्ब्रॉयडर्ड गला जो कि अच्छा लग रहा है। गला और बॉडी है ये, इसके ऊपर ही काम हुआ है, और ये फ्रंट बैक की बॉडी है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो ये इसकी बॉडी अटैच होगी इस तरह से, और ये इसका गला है जिसके ऊपर जो है हैंडवर्क हुआ हुआ है, पूरा पर्ल्स और थोड़ी सी नक्शी यूज़ हुई है, क्रिस्टल हैं, पर्ल्स हैं। इसकी डिटेलिंग अच्छी है बनिस्बत लास्ट वाले के। गले का ये वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी अच्छा है, वो आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, अच्छा इम्प्रेसिव है ये। तो ये इसका बॉडी का पार्ट है, और चौड़ाई में जो है ये मीडियम साइज़ बन जाएगा होपफुली। ओके, उसके ये फ्रंट और बैक दोनों की बॉडी एक साथ ही है। ये बैक की बॉडी है इस तरह से, वैसे ही तकरीबन शेप है और डिज़ाइन बना हुआ है जैसे फ्रंट का है, बस फ्रंट पे जो है वो हैंड वर्क है। तो ये बॉडी अगर हो जाएगी, ऊपर ऐड हो जाएगी, तो फिर इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ओके, उसके बाद है इसके इसकी स्लीव्स की लेस है, नहीं दामन की लेस है। अच्छा जी, दामन की एक क्रोशिया लेस है ये वाली, और क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर ही हुई हुई है, तो सिर्फ ये जो एज पर लेस है ये दामन की और आस्तीन की है, और ये आई थिंक काफ़ी है। फ्रंट बैक का दामन आराम से हो जाएगा और आस्तीन भी हो जाएगी, ये काफ़ी सारी है। ओके, उसके बाद जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो फैब्रिक है फ्रंट बैक का एक ही पीस है, और उसके बाद बॉडी अलग से दी हुई है। स्लीव्स इसकी भी प्लेन है, पहले वाले सूट की तरह बिल्कुल प्लेन है, और स्लीव्स के एज पर एक ये वाली लेस आनी है, और इसके दो साइड्स पर ये वाली लेसेस आनी है, और एक तो ये वाली जो मैंने बताया कि दामन में से बचेगी, ये इसके एज पर इस तरह से आनी है, और ये लेसेस जो हैं एक यहाँ पर लगी हुई है और एक मुझे इसमें नहीं दिख रही, हाँ राइट, एक जो है वो इस वाले हिस्से में लगी हुई है इस तरह से, शोल्डर से पूरी स्ट्रेट जाएगी और उसके ऊपर फिर पर्ल्स लगेंगे। अच्छा, ये टैसल जो हैं ये भी स्लीव्स के टैसल्स हैं, जैसे ग्रीन वाले ड्रेस में भी स्लीव्स के ही टैसल्स हैं। उसके बाद ये एक पतली सी लेस है जो कि गले पे लगी है, ठीक है। ये शर्ट की चीज़ें कंप्लीट हो गई, उसके बाद है इसका दुपट्टा। अच्छा, दुपट्टे की इम्प्रेसिव बात ये है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बार का कलेक्शन के, दुपट्टा जो है वो क्रश किया हुआ है, और दुपट्टे के लॉन्ग साइड के ये बॉर्डर्स हैं जो कि हमें सिलाई से लगाने होंगे, और दुपट्टे पर ऑर्गेंजा की फ्रिल बननी है। बस ये करना है कि ऑर्गेंजा डाई करवा के पल्लू की साइड पर फ्रिल बनानी है, और बाकी ये कि ये डाई भी हुआ है और ये लेस भी ऑल साइड पल्लू साइड सॉरी लॉन्ग साइड की ये लेस है। उसके बाद ये इसकी ग्रिप की लाइनिंग है, डाइड है सेम कलर, और ये कॉटन का ट्राउज़र है।
सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इसकी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जैसे पिक्चर में हैं, जस्ट दुपट्टे के पल्लू के ऑर्गेन्जा के अलावा सारी ही चीज़ें इंक्लूड हैं। सो आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे मुश्क का कलेक्शन अच्छा लगा। ये सेकेंड सूट है और वेरी सेटिसफैक्ट्री, आप लोग जो हैं ये इजीली बाय कर सकते हैं और ये इनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है और हमारे हमसे भी बाय कर सकते हैं। अदर लीडिंग स्टोर्स जो हैं जैसे सनाउल्ला और काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। होप यू लाइक वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।